हेलो लर्नर, वेलकम टू आवर पॉलिटेक गुरु चैनल। आज का मेरा जो लेक्चर है वो मल्टीमीडिया सिस्टम के एक टॉपिक इमेज एंड ग्राफिक्स कंप्रेशन पे बेस्ड है, विच इज कलर इन इमेजेस। बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आपको इमेज और उसके टाइप्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे कि ये टॉपिक आपको इजिली समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वॉट इज एन इमेज? इमेज क्या होता है? इमेज जो होता है आपका, वह विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का। कोई भी चीज जो हमें विजुलाइज होती है, हम उसे एज अ इमेज कंसीडर करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम, मल्टीमीडिया सिस्टम्स के टर्म में आपका इमेज जो होता है वो एक पिक्चर होती है, जिसे आप किसी भी डिवाइस लाइक कैमरे के थ्रू कैप्चर करते हो, कॉपी करते हो और स्टोर करते हैं उसको आप एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नाउ लेट्स सी कि इमेज कंसिस्ट क्या करते हैं, इमेज किससे बने होते हैं। एन इमेज कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डॉट्स विच कॉल्ड पिक्सल। इमेज जो होते हैं आपके, वो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ डॉट्स से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल जो होता है आपका, वो शॉर्ट फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट का। द फिजिकल साइज ऑफ द इमेज इन इंचेस और सेंटीमीटर्स डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन। फिजिकल साइज जो होता है आपकी इमेज का इंच और सेंटीमीटर्स में, वो आपके रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। किसके रिजोल्यूशन पर? ये किसी भी डिवाइस के रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। रिजोल्यूशन होता क्या है? रिजोल्यूशन जो होता है आपका, वो एरिया होता है जिस पर आपको डिस्प्ले करनी होती है किसी भी इमेज को, किसी भी डिवाइस का एरिया। ये रिजोल्यूशन जो होते हैं आपके, वो हाइट और ब्रेथ के टर्म में होते हैं और ये डिवाइडेड होते हैं पिक्सल के फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो छोटे 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 डॉट्स का कलेक्शन होता है, इसी को हम पिक्सल बोलते हैं। आई होप आपको पिक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। चलिए हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के इमेजेस होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। फर्स्ट वन इज वेक्टर इमेज एंड सेकेंड इज बिटमैप इमेजेस। व्हाट इज एन वेक्टर बेस्ड इमेजेस? वेक्टर बेस्ड इमेजेस आर डिफाइंड बाय मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंट्स एंड द पाथ्स कनेक्टिंग देम टू डिस्क्राइब एन इमेज। किसी भी इमेज के पॉइंट्स एंड पाथ्स को कनेक्ट करते हैं, उनके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं वेक्टर बेस्ड इमेजेस। Each object is an independent entity with properties such as color, shape, size, outline and position on the screen. Vector based image के हर एक object की जो entity होती है उसके पास अपनी properties होती हैं, जैसे कि color, shape, size, outline and position. इसके through वो images को display करते हैं किसी भी screen पर। अब ये point आता है कि हम vector based images को कब रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल इमेजेस में। डिजिटल इमेजेस जो होती हैं, वो वेक्टर बेस्ड इमेजेस का यूज करती हैं जब हमारे ये फैक्टर्स कॉम्पैक्ट, स्केलेबल एंड रिजोल्यूशन, ये तीनों फैक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं। मींस स्केलेबिलिटी, उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज करना, रिजोल्यूशंस, ये सब क्या होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट होते हैं, तब हम वेक्टर इमेजेस को डिजिटल इमेजेस में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन बिटमैप इमेजेस। बिटमैप इमेजेस आर मेड ऑफ इंडिविजुअल डॉट्स कॉल्ड पिक्सेल दैट आर अरेंज्ड एंड कलर डिफरेंटली टू फॉर्म अ पैटर्न। जैसे कि मैंने आपको भी प्रीवियसली बताया कि पिक्सल्स क्या होते हैं, आप बोल सकते हो इन अदर वेज में कि बिटमैप इमेजेस जो होते हैं आपके, वो कलेक्शंस होते हैं बिट्स का फॉर्म करने के लिए इमेज, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है बिटमैप, मतलब ये इमेजेस को बिट्स में स्टोर करता है। मैंने यहाँ पे एक जनरल सा व्यू दिया है आपको वेक्टर बेस्ड इमेज का और बिटमैप इमेज का, जिससे आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि बिटमैप इमेजेस को कैसे स्टोर की जाती है और वेक्टर बेस्ड इमेजेस को कैसे स्टोर की जाती है। यहाँ पे एक एप्पल का इमेज है, जब हम इसे स्टोर कर रहे हैं वेक्टर बेस्ड के टर्म में, तो ये उसकी आउटलाइन, उसका शेप और साइज शो कर रहा है। बट व्हेन वी स्टोर इन टर्म्स ऑफ बिटमैप इमेज,
तो ये इसको एक पिक्सल्स के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसको मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम इज फॉर बिट डेप्थ, सेकेंड इज फॉर नंबर ऑफ कलर्स पॉसिबल, एंड थर्ड इज फॉर अवेलेबल बाइनरी कॉम्बिनेशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ कलर। ये टेबल जो है मैंने ये इसलिए बताया है जिससे आप समझ जाएं कि अगर किसी भी हमें तो आगे अभी कलर्स के टाइप्स पढ़ने, बट हमें ये भी पता चल गया कि हमारे जो इमेज है वो बिट्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो ये जो बिट्स के फॉर्म में इमेज हो रहा है, तो अगर 1 बिट है, 2 बिट है, 4 बिट है, तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे कलर्स के, और उसको हम बाइनरी कॉम्बिनेशन में कैसे डिफाइन करेंगे। इस टेबल्स के थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे हम इसको स्टोर करते हैं। नाउ व्हाट इज बिट डेप्थ? बिट डेप्थ क्या होता है? बिट डेप्थ जो होता है आपका, ये रिफर्स करता है, ये क्या होता है, एक नंबर ऑफ कलर्स होते हैं जिसे आप स्टोर करेंगे हर एक पिक्सल्स में। ओके, अगर आपने बिट डेप्थ 1 बिट दी है, मतलब आपकी जो बिट है वो 1 बिट है, तो उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे कलर के वो बनेंगे 2, और इसका बाइनरी कॉम्बिनेशन जो होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो 0 और 1। ओके, और ये जो 2 है, ये 2 की जो 1 बिट है, ये 2 की पावर 1 के वे में रिप्रेजेंट होगी, इसीलिए 2 आया यहाँ पे वैल्यू। अगर आपने बिट डेप्थ दी है 2 बिट, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स होंगे 4, और इसका बाइनरी कॉम्बिनेशन आपको 4 दिख रहा होगा यहाँ पे, 4 बनेगा 1 2 3 4। अगर बिट डेप्थ 4 बिट है, तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स बनेंगे 16, और ये बाइनरी कॉम्बिनेशन भी इसके 16 बनेंगे। ऐसे ही आप आगे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, 8 बिट के लिए, 24 बिट के लिए, जितने भी बिट्स के लिए आपको इंक्रीज करना हो। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कलर इन इमेजेस। अब मैं श्योर हूं कि आपको इस टाइप कलर्स के टाइप समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने जो इसके बेसिक टर्म्स है, इमेज, पिक्सल, बिट, कलर, बिट डेप्थ, वो हमने अभी समझ लिया है और उसको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है कि वो होते क्या है, तो फिर हमें इस टाइप्स को समझने में बिल्कुल भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हियर यू कैन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर्स इन इमेजेस। फर्स्ट वन इज 1 बिट इमेज, सेकेंड वन इज 8 बिट कलर इमेज, एंड थर्ड वन इज 24 बिट कलर इमेजेस। चलिए अब हम इसे 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, आपका जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट बिट इमेज, इसे आप मोनोक्रोम इमेज कहते हैं। इट्स ऑल्सो रिफर्स टू एज बाइनरी इमेज, इसे आप बाइनरी इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टोर जो करता है आपके बिट्स को, वो सिंगल बिट में स्टोर करता है, 0 और 1। इसमें हर एक पिक्सल जो होता है वो स्टोर होता है एज अ सिंगल बिट, 0 और 1। ये कोई कलर कंटेन नहीं करता है, ठीक है। यूज होता है फॉर लाइन आर्ट के लिए, 0 होता है फॉर ब्लैक, एंड 1 स्टैंड करता है फॉर व्हाइट। अगर आपने 0 वैल्यू दी है, क्या हो गया, अगर आपने 0 वैल्यू दी है तो ये ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपने 1 वैल्यू दी है तो ये व्हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसका, वैसे कि मैंने आपको अभी टेबल में बताया था कि ये 2 की पावर में रिप्रेजेंट होते हैं। सो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 वैल्यू और कलर्स। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो अभी यहाँ पे बोला है कि ये कंटेन्स करता है कोई भी कलर नहीं, तो यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट कैसे आ गया? कंटेन्स नो कलर मीन्स कि ये कोई ग्रे कलर, मतलब इसमें कलर्स की वेरिएशन नहीं है कि कोई ग्रे कलर हो, रेड या ग्रीन या ब्लू या कोई और कलर्स को ये कंटेन नहीं करता, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। ओके, चलिए हम देखते हैं सेकेंड टाइप, 8 बिट कलर इमेजेस। इसे हम ग्रे स्केल इमेजेस भी कहते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है 2 की पावर 8 रेशियो में होता है इक्वल्स टू, ये 256 कलर्स को रिप्रेजेंट करता है जो लाई करती है बिटवीन 0 to 255। 0 जो होता है आपका वो ब्लैक कलर को स्टैंड करता है, एंड 255 जो होता है आपका वो व्हाइट कलर को स्टैंड करता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कहां से कोई और कलर आया, लेकिन इसमें क्या होता है कि 0 और 255 के बीच में काफी वेरिएशंस होती हैं। इसमें आपको जैसे ही आप 0 पे, तो आपको वो पूरा प्योर ब्लैक कलर देगा,
और 255 पे आपको वो पूरा प्योर व्हाइट कलर देगा, बट जो इसके बीच की वैल्यू जो होंगी उसमें ये थोड़ा धीरे 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 इंक्रीज करेगी वैल्यूज को, कलर्स को इंक्रीज करेगा। इसमें आपको ग्रे कलर के बहुत सारे शेड्स दिखाई देंगे। हेयर यू कैन सी हाउ ईच पिक्सल इज अ शेड ऑफ ग्रे, इसमें आपको ग्रे का वेरिएशन दिखाई देगा। अगर आप कंपेयर करें 1 बिट इमेज मोनोक्रोम को और 8 बिट कलर इमेजेस को, तो आप देख सकते हैं कि 1 बिट इमेज को जब आप जूम करेंगे तो उसकी जो इमेजेस होती हैं उसमें से ब्लैक और व्हाइट कलर ही दिखाई देगा, बट जब आप 8 बिट कलर इमेजेस को मतलब कि ग्रे स्केल इमेजेस को जब आप जूम करेंगे तो आपको उसमें वेरिएशन दिखाई देंगे ग्रे कलर का। नाउ द थर्ड वन इज 24 बिट कलर इमेजेस, जिसे हम 3 चैनल्स भी कहते हैं। ये कंटेन्स करता है आपके 24 बिट्स को पर पिक्सल्स के लिए। हर एक पिक्सल जो होते हैं आपके वो 3 बाइट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम RGB कहते हैं। R stands for red, G stands for green, B stands for blue। ये तीनों का कॉम्बिनेशन के थ्रू हम इसमें कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रेड के लिए हम 8 बिट होता है हमारे पास, ग्रीन के लिए 8 बिट होता है और ब्लू के लिए 8 बिट होता है। इन थ्री बिट्स को कंबाइन करके 24 बिट्स को हम 2 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास पॉसिबल कलर्स बनते हैं। हमारा हर एक पिक्सल जो होता है वो इन थ्री कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है 24 बिट्स कलर इमेजेस में, और इन 3 कलर्स के थ्रू हम बाकी वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, बाकी कलर्स क्रिएट करते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और आपको मैं ऐसे ही और भी लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी मल्टीमीडिया से रिलेटेड।